ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम की जान बचाई, इसलिए हम इसकी जान बख्शते हैं, वरना हम इसका दिल चीर कर रखते थे। क्योंकि ये बेगम मां चूचक का आदमी है, ये हमारा दुश्मन है, इसे हमारे कैद खाने में डाल दिया जाए। आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है शहंशाह? आइए हम आपको लेकर चलते हैं। हम स्वयं चलने में समर्थ हैं। आइए। Jodha Begum! Jodha Begum! Jodha Begum!
इत्मीनान रखें बेगम साहिबा, मैंने खैबर को इस तरह तैयार किया है कि वो जिस किसी इंसानी खून की महक पालेगा उसे कत्ल और गारत का कैफना फिल्ला कर देगा। मसला ये दरपेश है कि जिस्म से जानवर होने के बावजूद उसके अंदर सिफत तो इंसान की है, मतलब दिल और दिमाग इंसान का है। इसलिए कब क्या कर बैठेगा, किस सोच पर आमादा होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब यह है हुजूर कि देखिए ना, एक जानवर जिंदा रहने के लिए हर काम को अंजाम देता है, लेकिन इंसान जिंदा रहने के लिए मोहब्बत को अंजाम देता है, चाहत को। अब खैबर के अंदर का जानवर उस पर काबिज होगा या इंसान, इस बात की कोई पुख्ता दलील नहीं है। आराम फरमाए। अब कैसी हो जोधा? हम ठीक है अम्मी जान। शुक्र है जोधा बेगम, आपको कुछ हुआ नहीं। ऐसा खतरनाक दरिंदा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सब शहंशाह का प्रताप है कि आज हम जीवित हैं। हकीमा साहिबा, जरा देखिए। मानसिंह, हिफाजत के जो इंतजाम हमने तुम्हें बताए वो मुकम्मल तौर पर ताकीद की जाए। जी शहंशाह, आओ हमारे साथ। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने हरम के हिफाजत के इंतजाम और सख्त कर दिए हैं। महल और हरम के चारों ओर और सिपाही तैनात कर दिए हैं। शहंशाह, हमने अभी अपने पेट के भीतर कुछ अनुभव किया। हम अभी हकीमा साहब को बुलाते हैं। नहीं शहंशाह, वो बात नहीं है, कुछ और है। आपका हाथ दीजिए। आपको कुछ अनुभव हुआ? हाँ, महसूस कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है जोधा बेगम कि आप और हमारे होने वाले बच्चे सही सलामत हैं। इनकी रक्षा इनके पिता ने की है, तो इनको सुरक्षित तो होना ही था। कदाचित इसलिए ही पिता को ईश्वर का रूप कहा जाता है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें जोधा बेगम? हमारे निकाह के वक्त आपने हमें पति परमेश्वर कहा, और आप जानती हैं कि हमारी वजह से कितनी तकलीफ हुई थी आपको शुरुआत में, और अब आप हमारे होने वाले बच्चों के लिए हमें भगवान कह रही हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपको या फिर हमारे होने वाले बच्चों को तकलीफ हो, क्योंकि हम वो तकलीफ सहन नहीं कर पाएंगे। खैर, हम खुश हैं कि आप सही सलामत हमारे सामने हैं, और माफी चाहते हैं कि हम उस दरिंदे को रोक नहीं पाए। कितना बड़ा सदमा लगा होगा आपको। बिल्कुल नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे पति हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। क्या आप जानती हैं आप दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी बेगम हैं। और आप जानते हैं आप इस संसार के सबसे अधिक प्रेम करने वाले पति हैं। कहाँ जा रही हो जोधा? शहंशाह को आरती देने। ठीक है, परंतु शीघ्र ही आ जाना, आपके कलेवे का समय हो गया है। कुछ विशेष खाना चाहोगी? मोती, हम कुछ नहीं खाएंगे। रमजान का पावन महीना चल रहा है, हमने रोजा रखा है। पानी तक नहीं पी सकते हम संध्या की अजान तक।
और हाँ, जब हम संध्या में रोजा खोलेंगे, क्या कहते हैं, इफ्तार करेंगे, तब तुम कुछ खजूर और फल हमारे लिए तैयार रखना। ठीक है। लग रहा था कि शायद आपकी तस्वीर बनाना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं। खैर, कोशिश जारी रखेंगे। जोधा बेगम मां जी, आरती लीजिए। शहंशाह, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बना नहीं पा रहे। रोजे की वजह से थकान हो गई आपको, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है जोधा बेगम। जब आप व्रत रखते हैं तब वो आपको ताकतवर बनाता है, उसी तरह से जब हम रोजा रखते हैं तब वो हमें मजबूती देता है। कितनी बार तो रोजा होने के बावजूद हम कितनी जंग पर गए हैं और पतिया बनकर भी लौटे हैं। वैसे आप ये बना क्या रहे हैं? रेखाओं से तो लगता है ये किसी महिला का चित्र है, और वेशभूषा से लगता है कि सही समझा आपने। हम माफ की ही तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। शायद ठीक तरह से हमने समझा ही नहीं आपको। पूरी तरह से समझ तो हम भी नहीं पाए हैं आपको शहंशाह। शहंशाह, हम रोजा रखें? नहीं, आप रोजा नहीं रख सकते। क्यों? जब आप रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे दिन भूखी रहेंगी तो हमारे होने वाले बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे? परंतु जोधा बेगम, हम आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मजहब में ताकीद की गई कि हमला औरत पर रोजा रखना फर्ज नहीं। और फिर हमारा वादा है आपसे कि अगले साल रमजान के पाक महीने में हम दोनों साथ मिलकर रोजा रखेंगे, पर आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जी शहंशाह, हमें इस बात का बहुत संतोष है कि आपने खेबर को दंड नहीं दिया। मुझे सजा तो देना चाहते थे जोधा बेगम, लेकिन आपके इसरार के सामने रुक गए। खैर, हम उस दरिंदे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपने आने वाले फरिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए, जिनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अतगा साहब और दूसरे वजीरान आपके दीदार के लिए पेश हुए हैं। उनसे कहिए हम अभी आते हैं। जोधा बेगम, एक जरूरी मसलत के लिए हमें जाना होगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखें। हम आपके लिए ही रोजा रख रहे थे शहंशाह। इन दोनों में भी आपका ही अंश है, और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे ये देखना हमारा कर्तव्य है। मोती, ये किसके चीखने का स्वर सुनाई दे रहा है? पता नहीं जोधा, मैं पूछती हूँ। सुनो, इधर आओ। जोधा बेगम जानना चाहती हैं कि चीखने का स्वर कहाँ से आ रहा है। हुजूर, ये आवाज तो कैद खाने की ओर से आ रही है। वो दरिंदा उस दिन जिसे शहंशाह ने गिरफ्तार किया था, उसे सजा दी जा रही है। दंड? परंतु शहंशाह ने तो उसे दंड देने के लिए मना किया था। फिर कौन है जो शहंशाह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? बेवकूफ हो तुम, जो तुमने जोधा बेगम को अगवा करने की कोशिश की, हमारी जोधा बेगम को छूने की गुस्ताखी की, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तूने हमारी जोधा बेगम को छुआ। जलाल भले ही तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए माफ कर दे, मगर हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए हरगिज माफ नहीं करेंगे। जी
जोधा बेगम। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने आपको छूने की गुस्ताखी की है बेगम साहिबा, और हम हमारी बेगम साहिबा को छूने वाले की खाल खींच लेंगे। शरफुद्दीन जी, जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने से मना कर दिया है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है इन्हें प्रताड़ित करने का। क्या आप जानते हैं, जब ये बात शहंशाह को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये रमजान के पवित्र दिन है और ऐसे दिनों में कोई किसी जीव पर इस तरह से अत्याचार नहीं करता है। कैसे मनुष्य हैं आप? हमारा इसे सजा देना जलाल को अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपका इसे यहां मिलने आना भी जलाल को पसंद नहीं आएगा जोधा बेगम। मगर जोधा ऐसा कर कैसे सकती है? उनसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की उम्मीद नहीं थी हमें। वो हामला है, दो दो बच्चे पल रहे हैं उनकी कोख में, और ऐसी लापरवाही। वही तो हम भी कह रहे हैं अम्मी जान, कि जोधा बेगम को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे मुगल सल्तनत की वारिस की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल सकती है वो? खैबर एक दरिंदा है और उसके पास जाने की जोधा बेगम को क्या जरूरत थी? सच कहें अम्मी जान, अगर हम उनकी जगह होते तो हम ऐसा हरगिज नहीं करते। पता नहीं जोधा बेगम ऐसे खतरे कैसे उठा सकती हैं। पहले तो किसी को बिना बताए वो जंग में आ गई। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ वो महफूज रही, और फिर उसके बाद ये हरकत अम्मी जान। न जाने जोधा बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी जान, सुनो, जल्दी से इनके घाव साफ करो और मरहम पट्टी करो इनकी। इसके तो पास जाने से भी खौफ आता है बेगम साहिबा। मैं तो बोलता हूँ आप भी इसे दूर ही रहिए, बहुत खतरनाक है ये, किसी को भी चोट पहुँचा सकता है। ठीक है, एक वस्त्र और कम से कम गर्म पानी तो लेकर आ सकते हो ना तुम? जो हुकुम बेगम साहिबा। इसके नजदीक मत जाइए बेगम साहिबा। बेगम खास को आप आदेश देंगे? चलो हमारे साथ। कोई सफाई नहीं सुनना चाहते हम। मानते हैं कि आपके अंदर इंसानियत है, किसी को दर्द में नहीं देख सकती आप, मगर आप पर अपनी और अपने होने वाले बच्चों की हिफाजत का दारोमदार है। हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ती चली जाएं। आपको कैद खाने जाने की इजाजत नहीं है, फिर आप वहां गई क्यों? वो शख्स एक दरिंदा है, इंसान नहीं है। वो जलाल का कत्ल करने आया था यहाँ पर, आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। रमजान का पाक महीना है, हम सब रोजे में हैं। आपकी और होने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं।
और आप है कि किसी की इजाजत के बगैर कैद खाने चली गई। परंतु अम्मी जान, शहंशाह ने उन्हें दंड देने के लिए मना किया था, फिर भी अकारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और हमसे सहते नहीं बना, इसलिए तो हम वहाँ पर पहुँच गए। बस जोधा बेगम, अब एक लफ्ज और नहीं,